आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का इसमें दिल का क्या कुसूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, आशिकी इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो। घर यानी स्वर्ग जैसा घर, ऐसा ही एक घर बनाया है राजेश सक्सेना ने, और इस घर का नाम रखा है उन्होंने शांति निवास। लेकिन जो जो देख लेना। काका, तुम नाश्ता करो बेटे। काका वो मुरली अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, नाश्ता करो। मर जाएगा बेचारा, आप जाकर जरा शालू को समझाइए ना। ना बाबा ना, मैं नहीं समझा सकता, तुम ही जाके खुद समझाओ बेटे। हम भाई क्या हुआ? मर गया। अभी तू मरा कहाँ, अभी तो तू जिंदा है। तूने मेरा टॉप जलाया, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे बस भी करो शालू। बहुत बस बाबूजी, देखिए जैसे मेरा नया टॉप जला दिया। अरे तो नया ले आएंगे। नया ले आएंगे। कौन लाएगा? सब लाएंगे, इससे अच्छा लाएंगे। लेकिन इससे तो तुमने बिगाड़ दिया ना। ये तो झाड़ने पोछने को काम आएगा ना। बस बस बस, कहते हैं ना नया ले आएंगे बस। अब इससे अच्छा कहाँ मिलेगा? स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे मिलता है, 10 रुपया 10 रुपया। मुरली मुरली गधे नालायक पाजी, मार भी खाएगा और बकवास भी करेगा। चल दफा, चल हट। देखिए ना बाबूजी से। हाँ बेटे, गुस्सा थूक दो। सुनो देखो, हम अपनी बहन के लिए एक नहीं चार चार टॉप लाएंगे। मगर बाबूजी। हाँ अगर मगर कुछ नहीं, नाश्ता कर लो, चलो लो। मैं भूख नहीं है। अरे तो क्या कॉलेज भूखी जाओगे तुम? दूध पी लो, चलो। बिल्कुल नहीं, अपने भैया की खातिर प्लीज। ओके, सिर्फ दूध। दैट्स गुड। हाँ हाँ बेटे, एक टोस्ट भी। एक टोस्ट अपने भैया।
भैया की बात मान ली और काका की बात नहीं मानोगे। लो 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 जल्दी। ये तो ब्लैकमेल है, इमोशनल ब्लैकमेल। कॉलेज को देखो रही, एक टोस्ट प्लीज। गुड। कितने बजे का शो है? 12:30 का। इसका मतलब है दूसरा पीरियड मिस करना पड़ेगा। यार पिक्चर का लास्ट दिन है यार, कॉलेज तो हम कभी भी अटेंड कर सकते हैं। अरे यार अभी बजे कितने? 10। 10 बज गए फिर तो मर गए यार। तो क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं 10 बजे कॉलेज में क्या होता है? अरे हाँ यार, भूतनी के आने का वक्त हो गया। सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम, शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? गोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? Shut up! You better mind your tongue, Miss Charlie Saxena. Who the hell are you to give me orders? चालो, शांति, शांति, शांति। देखा इसे किस तरह हुकुम चला रहा है मुझ पर? ये? हाँ हाँ मैं। क्या कर लोगी तुम? अरुण, 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 खामोश हो जाओ, प्लीज। तुम चलो। गाड़ी चलाना, सामने से हटे तब ना, फिर मर गया तो देख लूंगी तुझे। हाँ ठीक है, देख लेना। ए गुरु, ए आई गुरु, मारा चश्मा तोड़ी ना क्या? एम का है भूतनी, तो तेरे को मारने के चक्कर में आई थी यार। अरे छोड़ यार, वो क्या मारेगी मुझे? ए देख, मैं तेरी जगह पे होता ना तो एम बेटा उल्टे हाथ का। अबे बकवास बंद कर, कितनी बार शालू के हाथ से मार खा चुका है, कभी दिया उल्टे हाथ का उसको? ए देख देख देख, मैं लड़की लोग पे हाथ नहीं उठाता हूँ क्या? ले अभी अभी तो मुझे सबक सिखा रहा था। देख वो तो मैं मजाक करता था। घंटी बज गई अपनी, चलो चलो बापू। ओह मिस्टर ग्रे, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है? जी नहीं, ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है या नहीं ये मैंने आपसे नहीं पूछा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोर्ड पर क्या बनाने की कोशिश की? जिस किसी ने भी कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। Oh, shut up! एक तो इतना बेहुदा मजाक करते हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंसते हो। मैडम हर चीज की एक हद होती है और इंसान उसी हद में अच्छा लगता है, और आप भी अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। तुम भी अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा, वरना मैं धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी इन गिदड़ भक्कियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना तो मैंने आपकी तस्वीर बनाई है और ना ही इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। ओह यू। गुड मॉर्निंग सर। मिस शालिनी, एनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है लेकिन उसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। प्लीज सिट डाउन। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 यस सर। यस, क्या बात है? अरुण? यस सर। तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जी सर। अब आएगा मजा। रोल नंबर 3 यस सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई। मेरे खिलाफ सर? यस, शालिनी ने शिकायत की है। सर उसे सिवाय शिकायत के और कोई काम ही नहीं है। पता नहीं वो हमेशा क्यों मुझसे उलझती रहती है। लेकिन वो तो कहती है कि तुम मुझसे उलझते रहते हो। झूठ बोलती है सर, मैं तो उससे दूर रहना ही पसंद करता हूं। देखो अरुण, झगड़े वगैरह अवॉइड ही करो तो अच्छा है। जी सर। अरे भाई, तुम्हें बुलाया इसलिए था कि इस बार भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में हमारे कॉलेज को तुम ही रिप्रेजेंट करोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी फर्स्ट प्राइज तुम्हें को मिलेगा। और ये पहला इनाम जा रहा है मिस सीमा को। मिस सीमा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और इनाम लें।
आइए, ये लो आपका इनाम। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वाह 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 बाबूजी। भाई हम भी तो देखें ये इनाम किस खुशी में बट रहे हैं। अरे कहाँ जा रही है? अरे बेटे ये तो जो है वो अभ्यास हो रहा था, प्रैक्टिस। असली नाम भी मिलेगा बहुत जल्दी। हाँ, वो भी सोने का कप, और हमारी दीदी उसमें से दूध पिएगी। अबे जब बोलेगा उल्टा बोलेगा, ऐसे कप दूध पीने के लिए नहीं होते, सजाने के लिए होते हैं। लेकिन उसे किचन में नहीं रखना, अगर चोरी हो जाएगा तो कहेंगे मुरली ने अपने लाचों के लिए गहने बनाए। गेट आउट मुरली। ताली बजाओ, तारीफ करो, नाक रगड़ो, बिताए क्या। गेट आउट मुरली। गेट आउट। सोना नहीं जाके वापे। अरे ये फंक्शन किस खुशी में हो रहा भाई? अरे बेटू तुम्हें नहीं मालूम, हमारी बिटिया बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखने लगी है। अच्छा? हाँ, और इसने अपना दूसरा नाम भी रख लिया, क्या कहते हैं इसे, वो तखल्लुस। तखल्लुस सीमा। अच्छा, वेरी गुड। चलो भैया मैं बहुत खुशी हुई, कोई तो इस घर में शायर पैदा हुआ। किसी ने तो फूलों की खुशबू, झरनों के संगीत और कुदरत के बारे में सोचा, वरना इस खानदान में सीमेंट, रेत और लोहे के अलावा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। आई एम वेरी हैप्पी शालू। चलो हम वर्मा अंकल से कहकर कल ही तुम्हारे गीत छपा देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, सबसे पहले आप हमें सुनाएंगी। अरे भाई से क्या शर्मा ना भाई, सुनाओ सुनाओ। सुना देना। सुनाओ। अच्छा एक शर्त पर, आप अपनी आंखें बंद करेंगे। कलो। अच्छा भाई चलो, आंखें बंद कर ली। सुनाओ सुनाओ। खता तो जब हो कि हमारे दिल किसी से गए, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। वाह, लेकिन ये कोई शेर पढ़ने का तरीका है बाबूजी? आप नर्वस करते हैं हमें। हम नर्वस करते हैं, और कल अगर किसी मुशायरे में शेर पढ़ना पड़े तो? तब हम बड़े प्यार से बोलेंगे। कैसे? खता तो जब हो के हमारे दिल किसी से कहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। वाह क्या बात। वाह। अरे यार व्हाट इज दिस, पिछले दो घंटे से तेरी ये गजल सुन सुन के तो मेरे कान पक गए, अने फिर ऊपर से ये वाह वाह वाह। भाई गजल है ही वाह के काबिल, रात तो देनी होगी। गुरु शाम से वाह वाह कहते कहते मेरे तो जबड़े दुखने लग गए। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम सीमा देवी के पास जाओ और जाकर बोलो कि मैं धरती पर आपका सबसे बड़ा पंखा हूँ। क्या? मेरा मतलब फैन हूँ, आप मुझे शेर सुनाती जाइए, मैं दांत का भंडार खोल देता हूँ। घबराओ मत, एक दिन ये भी करूँगा। अरे कब करोगे, जब तुम्हारी वावा और उसकी शायरी सुनते सुनते मेरे प्राण छूट जाएंगे तब करोगे? नहीं नहीं, तुम्हारी अर्थी उठने से पहले उनके दर्शन हो जाएंगे। अच्छा यार सो जा। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, चलो बाहर आ जाओ। कैसे कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों के चिल्लाने की वजह से मेरी हालत हुई है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आकर मेरी मदद करो। मदद उसकी की जाती है जो मदद के काबिल हो, और हमेशा तो तू इससे लड़ती रहती है। तो क्या हुआ, लेकिन अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? टैक्सी से आ जाना या पैदल। टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। खड़ूस मनोज लड़की की मदद भी नहीं कर सकते। एक्सीडेंट कहाँ कैसे? बस ये सब वो उस इज्जत की मेहरबानी है। अरे किसकी, कौन इडियट? वही तुम्हारा मिस्टर ग्रेट। कौन? अरुण। और नहीं तो कौन? रास्को। अरे लेकिन उसने कैसे एक्सीडेंट करवाया? बड़ा मनहूस है, काली बिल्ली की तरह रास्ता काट गया, हो गया एक्सीडेंट। तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मैडम पैसे दो। पैसे? ओ यस पर्स गाड़ी में। कितने हुए? 12 रुपए। 12 रुपए के लिए तो हॉर्न बजा रहे थे, ये लो। मैडम मेरे पास छुट्टे नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैडम मेरे पास छुट्टे नहीं है। किस लिए? मैंने छुट्टा मांगा है। मैडम मुझे आपको पैसे भी तो वापस करने। मैंने इससे कुछ कहा? भाई साहब प्लीज। भाई साहब ये तुम्हारे भाई है? अरे ये मेरा भाई नहीं, लेकिन इसके पास छुट्टा नहीं है। मैंने इससे पैसे मांगे, प्लीज टेल हिम टू गेट लॉस्ट। क्या पागलों जैसी हरकतें करती है यार, पागल हो जाऊंगी, बना देगा पागल मुझे। कौन? वही मिस्टर ग्रेट। होल्ड शिट।
क्या कर रही हो इतनी धूप में तुम? हाँ, आपको तलाश कर रही हूँ। मुझे तलाश कर रही हो? क्यों, खैरियत तो है? क्यों, भूल गए क्या? क्या आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। तारीख? 12। भाई ये कुछ 1 बजा होगा। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत काम है अनु, प्लीज। काम था तो लंच का वादा करने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी अनु। थैंक गॉड, आपको अपना वादा याद तो आया। कब से ऑफिस फोन कर रही थी, पता चला साहब साइट पर है। आई एम रियली सॉरी अनु, काम इतना था भूल गया। अपनी आदतें बदलो राजेश, चलो ना, भूख लगी है, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। अनु तुम शालू को ले जाओ, मैं बस मैं बस ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर। बात समझा करो अनु, आर्किटेक्ट आने वाला है। और मैं जो तुम्हें ढूंढती हूँ यहाँ तक आई, उसकी कोई वैल्यू नहीं? कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ, और आज फिर तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं अपनी मंगेतर के लिए। प्लीज अनु, तुम शालू को ले जाओ, बस मैं थोड़ी ही देर में ज्वाइन करता हूँ। शालू घर पे नहीं है, वो कॉलेज गई है, उसका कोई फंक्शन है। फंक्शन? थैंक यू वेरी मच। आए हुए सभी साथियों को शशि कुमार का नमस्कार। आए दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ आदेशों को आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा, और मेरे साथ वैसे तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां पर आ चुके हैं, अपने अपने आइटम आपकी सेवा में पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले डीएम कॉलेज की ओर से विजय कुमार। सामने आ रही है पीताम्बर कॉलेज की ओर।
किया और अब आ रहे हैं हमारे ही कॉलेज के किशोर आनंद। एक हसीन हो लाख में भला पाक तुम्हें कोई कोता है जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो जी हाँ दोस्तों, अब उस कलाकार को पेश करने जा रहा हूं जो किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे कॉलेज के हैंडसम नौजवान मिस्टर अरुण कुमार।
पल भर कभी जिया तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। वेरी मच दोस्तों, इस इनाम का असली हकदार तो वो है जिसने इतना खूबसूरत गीत लिखा। अगर ये गीत अच्छा ना होता तो शायद मुझे ये इनाम भी ना मिलता। Yes, absolutely right. इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इनाम शालू जी को दिया जाए। What? तुम्हें मेरा असली नाम तो मालूम नहीं? कहो, ये इनाम सीमा जी को मिलना चाहिए। मेरा मतलब है सीमा जी को मिलना चाहिए। That's right, क्योंकि गीत तो मैंने सीमा के नाम से लिखा है। आवाज और सुरों का मजा तभी आता है जब गीत के बोल अच्छे हों। Of course, गीत बेकार हो तो सब आवाजें बेकार। समझदार हो। चलो बाबूजी। ये इस वक्त अकेले अकेले में किससे बातें कर रही हो? अरे बाबूजी, कहाँ थे इतनी देर, कितना बेचैन हो रही थी आपको खुशखबरी सुनाने के लिए। कौन सी खुशखबरी? आज हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन था, सारे कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, एक से एक बढ़कर प्रोग्राम हुआ, और जानते हो क्या, उसमें सिर्फ मेरे गीत का नाम मिला। कंग्रेचुलेशन। इनाम कहाँ है? इनाम तरुण ले गया। क्या? हाँ, अरे मेरा गाना उसी ने तो गाया, और उसने इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा गाया कि सब सुनोगे। अरे भाई, अरुण कौन है? अरुण, अरुण मेरे कॉलेज में है, मेरी क्लास में पढ़ता है। मुबारकबाद दी उसे। मुबारकबाद। मुबारक हो गुरु, गाने में यार खोके उड़ा दिए। मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आपने इस बार भी कॉलेज की लाज रख ली। अरे आखिर चेला किसका है? क्यों गुरु? अरे बाबा, कभी तू गुरु बोलता है, कभी तू चेला बोलता है, तू इतना कंफ्यूज क्यों है यार? बहुत बहुत बधाई हो यार। मुझे बता दें। मुबारक हो, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई ग्रेट हो, एंड यू ऑलवेज रिमेन ग्रेट। बस बस बस, ज्यादा तारीफ मत किया करो। अरे भाई, जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ नहीं करूंगी। एनीवे, अरे शालू, तुम वहीं बैठी होगी या मुबारकबाद भी दोगी? दूर 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 दूर। एक दूर से अच्छी है ना मुबारकबादी? गुरु नजदीक आएगी, मुबारकबादी बर्बादी बन जाएगी। शट अप शशि, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। आओ ना। उसे क्यों बुला रही हो? अरुण प्लीज, वो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती है, उसे कुछ मत कहना। कम ऑन प्लीज, कम। अरे चुप क्यों है, कुछ बोलना। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, मगर आपको अच्छे और बुरे की तमीज कब से हो गई? मेरा मतलब है आप और गीत, सुर और साज आप कब से समझने लगी? म्यूजिक के लिए टेस्ट की जरूरत होती है, और आपका टेस्ट इतना सुरीला नहीं। अरुण, ये तुम्हें अच्छा नहीं किया। वो बेचारी कितने चाव से तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी, तुम्हारे लिए फूल लाई थी, और तुमने उसका दिल तोड़ दिया। क्या फूल लाई थी? हटो। अच्छा हुआ गुलदस्ता नहीं लाई, क्या खबर गुलदस्ते में टाइम बॉम्ब ही रखा होता। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। अरे कौन कहता है कि तू बुरी है? तू मुझे हर बार जलील क्यों करता है? मेरी बेइज्जती देखा उसने कैसे की आज सबके सामने। अरे बाबा, वो दिल का बुरा नहीं है। दिल की बुरी तो मैं ही हूँ, बाकी सब अच्छे, सारी मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ ना। मैंने उसकी बेइज्जती की थी, मैंने उसके सर पे लाठी मारी थी। अरे बात समझने की कोशिश करो शालू। क्या कोशिश करूँ रमा, तुम्हारे
के लिए फूल ले गई थी, मुबारकबाद दी थी, उसका मतलब देख लिया तुमने, समझता क्या हूँ अपने आप को। इनाम क्या मिल गया, दिमाग खराब हो गया उस आदमी का। मेरा लिखा हुआ गीत ना गाता तो आज इनाम भी ना मिलता उससे। मेरा ही गाना गाकर मुझे बर्दोश जमाता वो। इनाम तो मेरे ही गाने की वजह से मिला था उससे। हाँ पापा हाँ। अगर यही गाना मैं आज अपने नौकर मुरली को गाने को देती तो वो भी इनाम जीतकर लौटता। मीठी चरंगी में तुझको मिटा कर, यादों की देरी में खिचड़ी पका कर, रखूंगा मैं दिल के पास, हो जाए बुड्ढे का सत्यानाश। टाटा 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 टाटा, बुड्ढे के मैयत पे जाना पड़ेगा, लाश भी उसकी जलाना पड़ेगा, होगा पूरा वनवास, होगा पूरा वनवास, जब हो जाए बुड्ढे का सत्यानाश, हो जाए बुड्ढे का पागलों को होश में लाने के लिए बिजली का झटका ही दिया जाता है बेटे। बुड्ढे का सत्यानाश मेरी लाश को जलाएगा ना लायक। अरे काका मैं आपके बारे में नहीं, मेरे ससुर के बारे में बोल रहा था, वो भी आपकी तरह बुड्ढा खुसेटे है। पोस्टमैन आया। मुरली का खत? मेरी लाजो का खत। तेरा खत? काका एक रुपए दो ना, पोस्टमैन को देना है। मेरी लाजो बगैर टिकट का खत तुझे लिखती है, रुपया मैं दू ना लाए। पगार से काट लेना। पगार से काट लेना, पगार तो तू एडवांस लेकर गाँव भेज देता है और भीख मुझसे मांगता है। भीख नहीं काका, मदद कहो मदद। एक देश दूसरे देश के पास मदद मांग सकता है, एक प्रोड्यूसर दूसरे फाइनेंसर के पास मदद मांग सकता है, तो ये मुरली अपने काका के पास मदद नहीं मांग सकता। मदद के बच्चे मेरे पास पैसे नहीं है। तो मंदिर के बाहर बैठो। एक रुपया? एक रुपया? हाँ। मैं काम करता हूँ, मैं खत लिखता हूँ और टिकट नहीं लगाता, तो ये एक रुपया और वो एक रुपया मिला के दो रुपए हमारे गांव जाकर लाजवंती के बाप के पास से लेना है। हाँ ठीक है। प्यारी लाजो सदा सुहागन रहे। ए, सुहागन मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ, यहाँ मजा नहीं आ रहा। वहाँ जाके लिखेंगे। प्यारी जुई मुई, ये चाइनीज नाम लगता है। मेरी लाजो यहाँ मैं ही, ये कुछ खत है। मायो नायो डार्लिंग, लिंग कौन सा नया लिंग? स्वीटहार्ट लाजो, स्वीटहार्ट इंग्लिश मेरी प्यारी चुम्मा, चुम्मा दे दे चुम्मा। तू पूछोगी ये चुम्मा क्या है? इस शहर में लड़की को यानी के प्रेमिका को चुम्मा कहते हैं और उसके पीछे चुम्मा चुम्मा मांगते फिरते हैं। हमारे गांव में तो चुम्मा है ही नहीं। मेरे सपनों की कोयलिया, तुम्हारी कुक सुनकर बहुत साल हो गए। यहाँ तो शालू दीदी के डांटने और चिल्लाने के सिवाय कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे नहीं मालूम था कि शहर की लड़की इतनी बदतमीज और नाक चढ़ी होती है। आइन जूते? मैंने तो सुना था पैर में जूते होते हैं। जूतों में पैर कैसे आ गए हैं? लिखते लिखते मैं जूतों की अलमारी में तो नहीं घुस गया? मैं तो खत लिख रहा था। तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी। मेरी डायरी, मनोज मेरी डायरी खराब कर दी तूने। ओ भगवान। देखा भगवान, तुम्हारी इस भक्ति क्या हालत कर दी उस शालू ने। अगर इस हालत में मैं गांव चला जाऊं तो गांव के सारे कुत्ते मुझे देखकर भौंकेंगे। क्या कसूर था मेरा? दो पैसे का कागज और एक पैसे की शाही खराब कर दी इसलिए? अपनी लाजों के खत का जवाब देने की इतनी बड़ी सजा भगवान,
एक प्रेमी को अपने प्रेमिका से दूर रखने का पाप करके क्या मिला इस लड़की को? भगवान भगवान, अब तू ही न्याय कर दे। भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी किसी प्रेमी से प्यार करे और उस प्यार में तड़पती रहे और मैं तमाशा देखता रहूं। भगवान ये घूर घूर के किसे देख रही है? अरुण को? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। शशितुवन के बारे में और नाम मेरा लेती है? उनके? ये उनके कब से हो गया? वैसे भी अपने भाई के बारे में सोचना कोई बुरी बात है? तेरा भाई कब से बन गया वो? जब से तूने उनको अपना वो बना लिया है। हट, आई मीन चल चल। देख वो अकेला बैठा है, आज तू अपने दिल की बात कह ही रहा कि तू उससे कितना प्यार करती है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। जा शालू जा, हिम्मत कर। अरे इधर यार, मैं 5 टिकटें लेके आया हूँ साजन फिल्म की। अरे लेकिन यार परसों, छोड़नी बाबा, उसके अंदर वो गाना भी है यार। देखा है पहली बार साजन की लव स्टोरी, यार तेरे को चलना ही पड़ेगा। बंद करिए भाई। क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। तू झूठ मत बोला, तू बहुत बदल गई है शालू। कहाँ बदली हूँ? देख, नाक की जगह नाक है और आंख की जगह आंख, और अब तू बात को मत टाल। तू पहले जैसी शालू नहीं रही जिससे सारा कॉलेज डरता था, अब कोई नहीं डरता। नहीं, अब तो तुझे चुप सी लग गई है, हर वक्त सोचती रहती है और आहें भरती रहती है। क्या सचमुच तुझे अरुण से प्यार हो गया है? देख फजूल की बात मत कर, मुझे कोई प्यार नहीं हुआ। और छोड़ यार। ए सुन तो सही, ये लड़की तो गई काम से। पोजीशन आनी चाहिए, पोजीशन। जी सर, कोशिश करूंगा। What do you mean, कोशिश करूंगा? डेफिनेट, यकीनन आनी चाहिए। और वो तुम्हारी ट्यूशन का क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। बस सर, आपकी मेहरबानी है। इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मैं तो खुद तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी लगन की दाद देता हूँ। पढ़ते भी हो, साथ में ट्यूशन भी करते हो, शाबाश। दैट माइंड्स मी, कोई और भी तुमसे ट्यूशन लेना चाहता है? या सेकंड ईयर आर्ट्स का स्टूडेंट विकास, मैं उसके बाप को अच्छी तरह जानता हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड योर नेम। थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कम ऑन, एहसान अपनों पे नहीं किया करते बेटे। सर वाकई सर, आपसे मिलकर मुझे अपने अनाथ होने का कभी एहसास नहीं होता सर। कम ऑन, जज्बाती होना अच्छी बात है बेटे, लेकिन जज्बात में बह जाना नो, ये इंसान को कमजोर बना देता है। और मैं तुम्हें कमजोर नहीं, चट्टान की तरह मजबूत देखना चाहता हूँ। नारायण लाल। थैंक यू सर, ब्लेस यू। हाय, गुड मॉर्निंग। फिर शुरू हो गया? अरे मैं तो गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है और तू यहाँ पे लगा हुआ है, तुम पढ़ाई कब करोगे यार? ये माइक ले बैठा हूँ। प्रोफेसर साहब आ रहे हैं और वो फील्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। अबे बैटरी बैठ। शशि मैंने तुझे कितनी बार समझाया, ये कभी नहीं सुधरेगा यार। तू तो सुधर गया। ए बड़े घर का हट्टी तेरे को देखता है। देखिए तू अभी चुप बैठा। अरे बाबा, एक बार तो उसकी प्यासी नजरों की तरफ देख लेनी। अबे तू सामने देख। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज बी सीटेड। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 यस सर। रोल नंबर 3 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 यस सर। रोल नंबर 5 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6 यस सर। रोल नंबर 7 यस सर। रोल नंबर 8 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 9 यस सर। रोल नंबर 10 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 11 सर। नंबर 12 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13 यस सर। रोल नंबर 14 रोल नंबर 14 नंबर 14 मिस शालिनी। अरुण सर,
खुशवार हुआ। कहती थी ना कि मैं बदल गई हूँ, उदास रहती हूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ, तो जो ठीक सोचती थी। अगर मेरी बेचैनी, उदासी, परेशानी का मतलब मोहब्बत है तो मुझे वाकई अरुण से मोहब्बत हो गई है। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था पगली, लेकिन तूने अपनी मोहब्बत का ढिंढोरा सारे शहर में क्यों पीट दिया? जरा सी बात का अफसाना बना दिया, कॉलेज में बेइज्जती करवाई, खुद को मजाक बना के रख दिया है तूने। अब अगर ये बात तुम्हारे भैया तक पहुंच गई तो? कौन लगते हम तुम्हारे? जी भाई। कहती क्या हमें? जी बाबूजी। इसलिए कि हमने तुम्हें बाप बनकर ही पाला है, माँ की तरह आंचल में छुपाए रखा, ताकि तुम पर हमारी मुश्किलों और परेशानियों की आंच तक ना पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत मजदूरी की, दुख और तकलीफें उठाई, लेकिन तुम्हारी हर जिद पूरी की, ये सोचते रहे हर पल
कि कहीं हमारे प्यार और तुम्हारी जिद में कुछ कमी ना रह जाए। कहाँ कमी रह गई शालू? कोई कमी नहीं थी बाबूजी। नहीं, ये ना होता तो लोग बातें ना करते, हमारा मजाक ना उड़ाते, पीठ पीछे हंसते नहीं, ये ना कहते वो जा रहा है राजेश सक्सेना जो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटता फिरता था। कहता था अपनी बहन की शादी राजकुमार से करूंगा, और आज उसी की बहन ने एक मामूली से आदमी के लिए अपने भाई की इज्जत की धज्जी उड़ा दी। वो मामूली नहीं है बाबूजी, आप उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राजेश सक्सेना का घर है, घर जो किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं। बाजार के चौराहे पर बिकने वाली कोई अश्लील किताब नहीं है हम, जिसके पंजे हर कोई पलटता रहे और हमारे मुंह पर थूकते रहे। तुम लोग अच्छे मार्क्स से जरूर पास होगे, इज दैट क्लियर? ऐसा ही होगा सर। फिर से सर, सॉरी, हम लोग जरूर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, आपके विश्वास को बनाए रखेंगे। हम लोग चले? ऑलराइट, सी यू। तुम्हारा इनाम अरुण है जी, कहिए। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स थे? लगता है बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनके सोचने का ढंग है। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, अच्छे स्टूडेंट भी हो। वैसे पढ़ लिख कर क्या करने का इरादा तुम्हारा? नौकरी। तुम्हारे माँ बाप? जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। आई एम सॉरी। घर कहाँ है तुम्हारा? ये हॉस्टल का कमरा ही मेरा घर है। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद? बाद की बात बाद में सोचेंगे, पहले आप ये बताइए कि आपने ढेर सारे सवाल तो कर लिए मुझसे, लेकिन अपना परिचय अब तक नहीं दिया। ओ, मेरा नाम राजेश है। राजेश? क्या परिचय के लिए काफी नहीं? काफी तो है, लेकिन बिजनेस मेरा पेशा है और हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहता हूँ। अब पूछोगे मकसद क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लड़कों की मदद कर सकूं। मदद? कैसी मदद? कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री लेकर मैंने बहुत से लड़कों को दर बदर भटकते देखा है। आज का दौर सिर्फ रसूख का दौर है, सिफारिश का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे सिफारिश की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाकामी और मायूसी की धूप तुम्हें झुलसा देगी अरुण, अभी तुमने कॉलेज के बाहर की दुनिया नहीं देखी। मिस्टर राजेश, पहली मुलाकात और इतना अपनापन, आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए। मैंने हारना सीखा ही नहीं, मैं वक्त के हर तूफान से लड़ सकता हूँ। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, मेरे साथ काम करो, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, पार्टनरशिप भी दूंगा। बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मिस्टर राजेश, आपका भी इसमें कोई मतलब होगा तो बता दीजिए। अगर आप वाकई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप में इतनी ही हमदर्दी है, तो प्लीज आप उन नौजवानों की मदद कीजिए जिन्हें नाकामी और मायूसी की धूप ने झुलसा दिया है, मुझे बड़ी खुशी होगी। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर निहायत ही बेवकूफ, या फिर बहुत जिद्दी। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं, भैया को तो सब कुछ मालूम हो चुका है। देख रमा, अरे शॉपिंग, शॉपिंग तो मैं कर लूंगी यार, यू फिकर नॉट, तुम सिर्फ लिस्ट बनाओ फटाफट। लिस्ट की बच्ची, शॉपिंग तू करेगी मेरे लिए? हाँ। मैं तेरी चॉइस अच्छी तरह जानती हूँ। ये लो, अब तो हमारी चॉइस भी बुरी लगने लगी। ठीक है मिशालनी, जब से अरुण पसंद आया है आपको हर चीज खराब लगने लगी है। कल को ये कहेगी, ए रमा तू भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ए देख रमा, खामखा दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे दिमाग तो तुम्हारा पहले से ही खराब हो चुका है, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, लोग तो यही कहते हैं कि जब से तुमने अरुण को देखा है तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ, अभी हो गई हो। अभी देख, चालू चालू मारना नहीं, लग जाएगा मेरे को यार, तू समझती नहीं। बाबू जी ठीक है, मैं जाती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते रमा, कैसी हो? ठीक हूँ भैया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हम आए और आप जा रही हैं, ऐसे कैसे? नहीं भैया हूँ मैं। अरे जाने दीजिए बाबू जी, इसे देखने तो लड़के वाले आ रहे हैं। अरे लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जभी तो ये यहाँ छुपी है। नहीं नहीं नहीं, जाओ घर जाओ, ड्राइवर से कहो तुम्हें जल्दी घर छोड़े। बाय, सी यू। बाय। चालू
जी बाबूजी। आज हम अरुण से मिले गए थे। लड़का अच्छा है लेकिन बहुत जिद्दी है, और जिद से सिर्फ दो ही बातें होती हैं, आदमी या तो बनता है या बिगड़ जाता है। देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बनना चाहे तुम्हें इंतजार करना होगा। जाना जाकर कह दे कि तुझसे प्यार करती है सिर्फ। हाँ, लेकिन मुझे डर लगता है। एक खोपड़ी में फिरा जा। नहीं, मुझे शर्म आती है। देख तू जाने तो मैं जाती। नहीं, एक मिनट देख, तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाती, चलते। अरे वहाँ नहीं, यहाँ जाना। अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दे। अच्छा जाती हूँ, देख धीरे धीरे जाती हूँ ना मुझे। देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बनना चाहे तुम्हें इंतजार करना होगा। बाबा जी, लो दूध पी लो। क्यों आपने तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? सोचा सुबह सुबह हमारी बहन पढ़ रही होगी, चल के साथ चाय पी लेते हैं। थैंक यू बाबा जी। वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उतावले तो हम थे इस रिजल्ट के लिए, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। पास होके भी क्या फायदा यार, इससे तो अच्छा होता कि मैं पे टीन पट्टी चलाता, कुछ कमाई तो होती। तेरी बात भी सही है। क्या पंजा डालता है यार, टाइम खराब हो बेटा, पट्टा भी अच्छा नहीं आता। ऐसे ही होता है। अरुण क्या हुआ? वही जो रोज होता है, नो वैकेंसी, नौकरी नहीं है, आपके पास सिफारिश है, वही पुरानी बकवास। अरुण लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? इतने दिन तक तो हम लोग तेरी और प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से इधर हॉस्टल में रहते थे। हाँ, कल कॉलेज चालू हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे किधर? वेयर विल वी गो? जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। तू क्यों फिक्र कर रहा है यार? क्या मतलब तू क्यों फिक्र कर रहा है यार? अरे जब तक ये कॉलेज की कैंटीन चालू थी ना तो कुछ खाने को भी मिलता था, अरे जब से ये कैंटीन बंद हुई है ना तो उसल पाव के भी वांडे आ गए यार, भूखे मरने के दिन आ गए, कुछ समझ। अरे कोई भूखा नहीं मरेगा, मैं खुशखबरी लाया हूँ। नौकरी मिल गई क्या? नहीं, एक प्रोग्राम का ऑफर आया है। प्रोग्राम? हाँ, परसों एक वैरायटी प्रोग्राम होने जा रहा है और उसमें एक सिंगर की जरूरत थी तो मैंने हाँ कर दी। ए, 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 तू गाएगा, तू गाएगा, एक गाके सुना ना। तू कैसे? गाने मैं नहीं, मैं गाऊंगा ना। अपना अरुण गाएगा। क्या क्या? मैं 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपीज? लेकिन मेरी इजाजत के बगैर? अभी इजाजत ले लेते हैं। मेरे मुन्ना तू गाएगा ना? बिल्कुल नहीं, परसों मेरा इंटरव्यू है यार। अरे लेकिन तेरा आइटम तो इंटरवल का बाद होएगा ना? अबे तो चुप है, इंटरव्यू सुबह है, प्रोग्राम शाम को है। अगर तू गाएगा तो हम लोग को खाने के लिए मिल जाएगा, अगर तू नहीं गाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे यार। ठीक है यार। कौन? अरुण, ये रही तुम्हारी मनपसंद मैगजीन, इसमें तुम्हारे सीमा देवी के नए गीत भी हैं। हो जा तैयार। मैं तो बोर हो जाती हूँ, इन किताबों में रखा ही क्या है? ख्याली दुनिया होती है ये, स्वर्ग सी जगह, एक खूबसूरत भोली भाली सी लड़की और फिर कोई टॉल डार्क हैंडसम उसकी जिंदगी में आ जाता है, दोनों की मुलाकातें और फिर कोई अनजानी सी रुकावट, लड़की का रोना धोना, लड़के के खिलाफ सोचना, और तब अचानक कोई फरिश्ता बनकर आता है और हीरो हीरोइन के दिलों का मैल निकालकर दोनों को आपस में मिला देता है। हाय, आगे
आ गई। ये अकेली तो बोर हो रही थी। बोर हो रही थी, ये तो मजे ले लेकर कहानी सुन रही थी। खैर भाभी, आपने तो हीरो हीरोइन दोनों को मिला दिया। मिलाया कहाँ है हा? अभी तक तो हीरोइन हीरो की याद में तड़प रही है। क्या मतलब अभी तक मुलाकात नहीं हुई? अरे हट वाली कौन सी बात है यार, अगर नहीं हुई तो हक करवा देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, आज शाम को शो है और वहाँ अरुण साहब गा रहे हैं। मैं तो टिकट्स भी ले आई हूँ, चल। लेकिन मैं नहीं जा सकती। क्यों? बाबूजी ने मना किया है। तू अपने भाई की फिक्र मत कर, उन्हें मैं समझा दूंगी। हाँ। मगर अगर मगर रहने दे और रमा के साथ प्रोग्राम देखा। हाँ। जा। मेरी 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 प्यारी भाभी। नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जान, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। देखकर मेरे मन में ख्याल आया। क्या? क्यों ना अरुण गाने को ही अपना करियर बना ले। वाह, बात तो तुझे अकलमंदी की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रोग्राम के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे और प्रोग्राम करवाएगा कौन? मेरा मतलब है स्पॉन्सर्स कौन लाएगा? स्पॉन्सर्स तो ढूंढेगी। मैं? हाँ तू। और पैसे मैं दूंगी, मगर एक शर्त है। क्या? इस बात का ना तो बाबूजी को पता लगना चाहिए और न ही अरुण को। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले चलो। जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तो
जाने में देर तो नहीं हो गई? जी नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। ओके, बैठिए ना आप लोग प्लीज। थैंक यू। थैंक्स। शशि। यस सर। शुरुआत की जाए? हाँ बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी, अक्सर बड़े स्टार वक्त पर नहीं पहुंचते, लेकिन आप कैसे वक्त के लिए वक्त निकाल लेते हैं? इस मामले में तो मैं इतना ही कहूंगा कि वक्त के साथ चलना ही अकलमंदी है, वरना वक्त हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। एक बात बताइए अरुण जी। जी।
आपकी कामयाबी, मेरा मतलब है इतनी बड़ी कामयाबी और वो भी इतने कम वक्त में, इसका क्या राज है? कोई बड़ा राज नहीं है, मेरी मेहनत और आप जैसे कदरदान जिन्होंने मुझे इतने कम अरसे में मेरे फन को सराहकर मुझे कामयाब बना दिया। अरुण जी, एक कहावत है, दुनिया में हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है? जी अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब होगी तो सबसे पहले मैं आपको खबर कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, जितनी सुरीली और खूबसूरत आपकी आवाज है उतने ही खूबसूरत और अच्छे आपके गीत भी होते हैं। क्या ये गीत आप खुद लिखते हैं? जी नहीं, मैं सिर्फ गाता हूँ, लिखता नहीं। मेरे गीत तो किसी सीमा नाम की शायरा ने लिखे हैं। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कामयाबी में सीमा जी का हाथ है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि आपकी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं है। बिल्कुल कहा था। यानी कि आपकी शोहरत में वाकई किसी औरत का हाथ है? सीमा। हेलो, सीमा का गीत फोर्थ पेज सेकंड कॉलम, हाँ डेफिनेट। हेलो अरुण जी, हाउ आर यू सर? फाइन थैंक यू। प्लीज सर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत नहीं, मेहरबानी होगी। मेहरबानी? आपकी मैगजीन में सीमा नाम की लेखिका गीत लिखती हैं। जी हाँ। मुझे उनका एड्रेस चाहिए। माफ कीजिएगा अरुण जी, उन्होंने अपना एड्रेस देने से मना किया है। वैसे अगर आपका कोई लेटर हो या कोई मैसेज हो तो आप हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं, हम उन्हें भेज देंगे। इट्स नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जी थैंक यू वेरी मच। सीमा जी नमस्कार, आपसे मिलने की बहुत कोशिश की मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई और बेताबी बढ़ती गई। आपकी मेहरबानियों का भारी बोझ तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता, फिर भी उन एहसानों का शुक्रिया तो अदा कर देता आपके चरणों से आशीर्वाद के कुछ फूल चुनकर। नहीं अरुण, ऐसा मत कहो, तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहते हो। कितना शौक है मुझे आपके दर्शनों का, कितनी बार आपकी कल्पना की है मैंने, कितनी बार आपकी तस्वीरें मैंने बनाई और फिर खुद ही फाड़ डाली, इसलिए कि शायद मेरी कल्पना आपकी कल्पना की तरह खूबसूरत नहीं। सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दे दीजिए, एक बार मिलने का वादा तो कर दीजिए। राजेश बेटे, देखना ही अपने अरुण की फोटो है ना? हाँ काका। अरे वाह, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब तो देखो किताबों में भी उसकी फोटो छपने लगी है। बेटे अब किस बात का इंतजार है, जाके इससे बात क्यों नहीं करते? इंतजार किसी बात का नहीं, हम गए थे उससे मिलने लेकिन वो शहर से बाहर गया हुआ है अपने प्रिंसिपल के पास। जैसे लौटेगा हम पहुंच जाएंगे अपनी झोली फैलाए उसके पास। लेकिन काका एक बात सोचकर मन घबराने लगता है। कौन सी बात बेटे? जब हमारी शालू चली जाएगी तो ये घर सोना हो जाएगा, वही तो एक उजाला है हमारे घर का, हम उसके बिना कैसे जिएंगे काका? ये बात तो है बेटे, लेकिन बेटे हर लड़की पराया धन होती है और फिर ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, बाप बनकर तुम्हें अपनी बहन को विदा करना है। घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? नाराजगी है तो फिर खत क्यों लिखा, बार बार मिलने को क्यों कहा? लो अब लौट गए। ऐसी बात नहीं है, हम खुद भी तो मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, लेकिन ये मजबूरियाँ, खैर डोंट वरी, हम बहुत जल्द मिलेंगे, हम वादा करते हैं।
विश्वकर्मा वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। नुकसान के साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है मोहन बाबू, हम इस तरह अपनी कंपनी और उसकी साख खराब नहीं कर सकते। इस बिल्डिंग का नक्शा, इसका एरिया और इसका मटेरियल कुछ नहीं बदलेगा, समझ गए आप लोग? सर आपका फोन लाइए। हेलो, मैं अनु बोल रही हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? सब खैरियत है, तुम आओ तो सही। लेकिन बात क्या है? आज अरुण का शो है। ओह रियली, कितने बजे? 6 बजे, मैंने रमा को टिकट्स के लिए भेज दिया है, तुम जल्दी आओ। वेरी गुड, हम आ रहे हैं।
मोहन बाबू हमें जाना होगा। लेकिन सर इंजीनियर आने वाला है। उसे कहिए फिर कभी आ जाए। लेकिन सर आज की सारी अपॉइंटमेंट सब कैंसिल कर दीजिए प्लीज। और पेमेंट सर क्या हुआ सर? हमने चेक साइन किए हुए, आप उन्हें भर दीजिए प्लीज। आज हमें अपनी बहन के रिश्ते की बात करनी है, हमें जाना होगा मोहन बाबू, आप लोग संभाल लीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। बाय बाय बाय। चलिए मुरली। ओ मुरली कहां मर गया ये? राजू राजू मेरी राह देख रही होगी, हम जरूर आएंगे, हम तुम्हारी याद में जी रहे लाजो, हम तुम्हें खत लिखेंगे लाजो, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे लाजो, लाजो काश काश मैं तुम्हारे पास होता लाजो, लेकिन क्या करूं लाजो, एक ही तो खोली है और रात को वो बुड्ढा खुसट काका मेरे साथ ही सोता है, तो तुम्हें कहां रखूंगा लाजो, लाजो कभी कभी तो रात को नींद में काका अपनी हाथ फिरा लेता हूँ, अपनी लाजो समझ लाजो तुम्हारी भैंस आ गई। अबे ओ भैंस के बच्चे, ये तो रेड़ा दिन भर पड़ा खर्राते खुर्र खुर्र करता रहता है, अबे जा बर्तन मांज जा। काका तुम्हारा दिल पत्थर का है, दो मिनट लाजो से बात किया तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई। अबे तू चाहता है कि तू एक खींच के सांप आ गई, भागूं भागूं। शंभू काका। अरे बेटे आ गए तुम। काका शालू तैयार हो रही है और आज बेटे वो बहुत खुश है। हम भी बहुत खुश है, आज बहुत खुश है। काका एक बात पूछनी थी। पूछो बेटे। वो अरुण से मिलकर, मेरा मतलब है लड़के वालों से लड़की वालों के माँ बाप बात कैसे करते हैं? अरुण से रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ना, तो नर्वस हो रहा हूँ। अरे बेटे इसमें घबराने की कौन सी बात है, जब तुम लड़के से मिलोगे तो उससे कहोगे कि तुम शालू के भाई हो, वो खुद ही समझ जाएगा। और बेटे वैसे पहले बात तुम्ही करनी पड़ेगी क्योंकि लड़की वाले तुम ही हो। तुम आ गए? हाँ, और शालू आ रही है। कितनी प्यारी लग रही है ना। दूसरे को देखते रहोगे या प्रोग्राम में भी जाओगे तुम? हाँ राजेश जल्दी करो, नहीं तो शो शुरू हो जाएगा। आओ शालू। आओ शालू। बेटे चल। नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन की हर शाम में एक न एक सरप्राइज होती ही है, और जिस मनोरंजन के साथ जुड़ा हुआ हो, टिप्स कैसेट्स के निर्माताओं का नाम जाहिर है वो सरप्राइज म्यूजिकल सरप्राइज होगी, क्योंकि टिप्स कैसेट्स कंपनी का हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि वो अच्छे से अच्छे कलाकार आपके सामने पेश करते रहें। साजों और सुरों की दुनिया के एक से एक सितारे का तारूफ आपसे करवाते रहें, आपको उनसे मिलवाते रहें। लेकिन आज की शाम हम जिस सितारे से मिलने जा रहे हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये एक सरप्राइज ना होते हुए भी सरप्राइज है, क्योंकि इसे आप करीब से जानते हैं और हरदम उसके करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि वो है शोहरत और कामयाबी के आसमान पर चमकता हुआ वो सितारा, आपका अपना चहेता अरुण कुमार। मैं जानता हूं दोस्तों अरुण कुमार को यहां आने में देर क्यों हो रही है, अरुण कुमार आज उस मकाम पर पहुंच गए हैं, वो इतनी मकबूलियत पा चुके हैं जहां उनकी आवाज हमारे साथ हर जगह हर समय हर मौके हर खुशी में होती है, तो क्या उनकी खुशी हमारी खुशी नहीं है? तो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूं, वो गौर से सुनिए।
अरुण कुमार अब अकेले नहीं रहे, अरुण कुमार अब एक से दो हो गए हैं, अरुण कुमार ने शादी कर ली है। मैं सुनना चाहता हूं एक बार और इससे भी जोरदार तालियां, जिससे कि अरुण कुमार स्टेज पर आने पर मजबूर हो जाए, और वो भी अकेले नहीं, अरुण कुमार। जमीन रहे न तहे आसमा रहे, आलम वो कोई और था हम जहां रहे, जब दिल जले तो आए ना क्यों कर जुबां पे आ, मुमकिन नहीं कि शोले से दबकर धुआं रहे। बेटे बत्ती जला दूं? रोशनी से डर लगने लगा है। देखो बेटे, ये सब तो नसीब की बात है। वाकई नसीब की जीत हो गई, हम तो जिंदगी भर नसीब से लड़ते ही रहे, खुद से आगे उसे कभी नहीं जाने दिया, खुद अपनी तकदीर का रास्ता बनाते रहे, मगर आज हम थक गए हैं काका, हार गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो बेटे ऊपर वाले का खेल है, हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई हो। राजेश सक्सेना भिखारी बन के रह गए आज, बड़ी शान से अपनी बहन का नाता जोड़ने गया था, देखा देखा हालात ने कैसे कस कस के तमाचे मारे हमारे ऊपर। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पांव पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन पे खींच ली। काश काश अरुण से उसी रोज रिश्ते की बात कर ली होती, गिड़गिड़ा कर अपनी बहन का रिश्ता मांग लिया होता, अपनी आंखों से गुरूर का वो अंधा चश्मा उतार दिया होता, मखमल की चोली लेकर भीख मांगने गए थे तो पता चला उस मखमल को तो हमारे अहंकार का दीमक चाट चुका है। खैरात की खाली छुरी लेकर हम अपनी बहन के सामने कैसे जाएंगे, क्या जवाब देंगे हम शालू को? नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते काका, उसे नजर नहीं मिला सकते काका, I'm sorry काका। बेटे तुमने तो तड़प कर रोकर अपने मन की बात मुझसे कह दी, अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की, चुप्पी साध ली है उसने बेटे, हालांकि उसका गम हमारे गम से बहुत बड़ा है। बेटे मैं जानता हूं उसे, मैंने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है उसको, उसकी खामोशी बेटे एक बहुत भयंकर तूफान का ऐलान कर रही है, इससे पहले कि वो तूफान उसे बहा कर ले जाए, तब अपनी बहन को संभालो बेटे, संभालो उसको, संभालो बेटे। चालू बाबूजी, बाबू जी आप रो रहे हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे अरुण से नहीं मिला सका,
मैं तेरी शादी नहीं करा सका। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी। मैंने तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देखा। धर्म और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। हाँ ये बात और है कि ना तो मेरे हाथों ने मेहंदी रची, ना सहेलियों ने बधाई के गीत गाए, ना बारात आई, ना मेरी डोली उठी और ना मेरे मांग में सिंदूर रचा। आओ मीना अंदर आओ। ये है हमारे घर का मंदिर। यहाँ भगवान की मूर्तियां हैं और ये एक ही तस्वीर, और इस तस्वीर पर लिखा हुआ नाम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। देवी देवताओं की तरह मेरे लिए ये नाम उतना ही पवित्र है जितने बाकी सब। इसी नाम से मेरे जीवन में उजाला हुआ है। तुमसे एक विनती है मीना, भगवान के सामने सर झुकाने के साथ साथ इस तस्वीर को भी भगवान का एक रूप समझकर प्रणाम करना, इसके सामने झुककर आशीर्वाद लेना। जी मीना, हम अपने जीवन की शुरुआत इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करेंगे।
इम्पॉसिबल। 12, 13, 14 कलकत्ता में रजीन चावल के शो में और 15 से 20 संपत के शो में दिल्ली में। मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। अरे नहीं यार, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बाद में फोन करो। नमस्ते। ओहो नमस्कार। हेलो। कितने दिन लगा दिए। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। सीमा जी का कोई खत? ना कोई खत, ना कोई गीत। सीमा जी को खत लिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। लाइए, आज मैं खत लिखती हूँ। तुम खत लिखोगी? हाँ, क्यों नहीं, ऐसे लो लिखो। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी। सीमा जी ठीक ठाक है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खत का जवाब भी मिल जाता था और गीत भी। भगवान ना करे उनकी तबीयत। अरुण बाबू, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सीमा जी अच्छी भली हैं? हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नहीं, रुपए पैसे की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन शी हैज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आप इत्मीनान रखिए, आप हमें अपना खत दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। आप ये खत उन्हें पहुंचा देंगे ना? हाँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ चलूं? अरुण बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सीमा जी ने अपना एड्रेस किसी को भी देने से मना किया है, और फिर आपको तो अपने गीतों से मतलब रखना चाहिए, है ना अरुण बाबू? चलो शारू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अमेरिका से मेरी चंद सहेली आई हैं, उन्हें लेकर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद सब इकट्ठे डिनर पर चलेंगे। चलो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? आपको गलतफहमी हो रही है, ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। देखो शारू, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती, भूल जाओ अरुण को। भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ शारू? अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, वो किसी और का है, तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मगर वो तो मेरी जिंदगी में शामिल है। बेवकूफ मत बनो, एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शारू। वक्त तो आप अपना बर्बाद कर रही हैं भाभी। जाइए, आपको शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। शारू जी, खत है। खत? तुम कभी नहीं सुधरोगी। बाय। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी, आप हैरान होंगी कि ये खत किसने लिखा है, और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको पहले खत क्यों नहीं लिखा। मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी का मैंने पहले शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। मैं अरुण की पत्नी मीना हूँ। मेरे इस छोटे से स्वर्ग का प्रकाश, आपके आशीर्वाद और प्यार का उजाला हमेशा आपकी याद दिलाता रहता है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, मगर पता नहीं आप क्यों हमसे मिलना नहीं चाहती। हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। हमारे खत का जवाब जरूर दीजिए, अरुण की आवाज को अपने गीत दे दीजिए, वरना हमारे ख्वाबों के साथ साथ सारे सुर भी बिखर जाएंगे। एक गुस्ताखी कर रहे हम दोनों, चेक भेज कर। इसे गीतों और अपने एहसानों की कीमत न समझिए, बल्कि हमारे प्यार की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपकी एहसानमंद मीना। मीना, तो आज तेरा कर्जा उतर ही गया। गीतों की कीमत मिल गई तुझे? 97 रुपए से तेरी मोहब्बत को तोल दिया। नहीं, सच बहुत कड़वा होता है शालू। अरुण ने तुझे कभी नहीं चाहा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है।
अरुण तो मुझे चाहता है। तुझे नहीं, सीमा को चाहता है वो। शालू से तो नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। बस बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। भूल जाओ अरुण को। सोच क्या रही है? तेरे गीतों की वजह से तो बना है। उसकी कामयाबी की सीढ़ी तेरे गीत है। ले ले अपना बदला। छीन ले उससे वो शौहरत, वो नाम, वो इज्जत। बना दे उसे फिर से भिखारी। खामोश। मैं अरुण से प्यार करती हूँ। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सुना तुम लोगों ने? ये चेक देखो, ये ब्लैंक चेक है, देखा? इस पर अरुण अपने हाथों से मेरा नाम लिखकर दस्तखत किए हैं। कोई क्या कोई दुनिया में ऐसे कर सकता है? ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस चेक को सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगी। अपने अपने खून के हर एक कतरे को जलाकर उसके रास्ते के दिए जलाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? Now get lost, leave me alone। चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने अरुण के लिए गीत लिखूंगी। प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर हो, खुशियां ही खुशियां हो, फूल ही फूल खिले उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में। बहुत खुश लग रहे हो आज। खुश क्यों नहीं होऊंगा भाई? बाप जो बनने वाला हूँ पापा, और तुम बनने वाली हो अम्मा। अच्छा बाबा, तुम मम्मी बनने वाली हो, और हमारे घर में आने वाली है एक गुड़िया। गुड़िया क्यों? गुड्डा क्यों नहीं? गुड्डा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे गुड़िया ही चाहिए, और मैंने अपनी गुड़िया का नाम भी सोच लिया। क्या नाम सोचा है? मेरी गुड़िया का नाम होगा सीमा। क्यों, अच्छा नाम है ना? बड़ा प्यारा नाम है। भाई मुबारक हो। हाँ भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? भाई मेरे पास तो खत है। कैसा खत? सीमा देवी का खत। और किसका खत? अरे इतने दिनों बाद सीमा देवी का खत आया तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। अच्छा तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखा मीना, कितना खुशकिस्मत है हमारा आने वाला बच्चा। बच्चा? बच्चा कहाँ है बच्चा? हाँ भाई, हमने हमारी बच्ची का नाम रखा। और भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई हाँ, हमने हमारी बच्ची का नाम रखा सीमा, और यहाँ सीमा जी का खत आ गया। गॉड ब्लेस हर। ग्रेट सीमा जी। चलो, अरे क्या हो? चलो क्या परेशानी कम हो जाएगी? अरे सभी हाँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र ना करें? फिक्र कैसे ना करें? उससे उसे कुछ होता है तो हमारी जान निकल जाती है। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आज उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। हम? उसके जिम्मेदार हम हैं? हाँ राजेश, हर वक्त उसे इस घुटन में बंद रखोगे तो और क्या होगा। उसे बाहर जाने दो, घूमने फिरने दो, उसे एक नई जिंदगी शुरू करने दो। हम भी तो यही चाहते हैं। सिर्फ चाहने से क्या होगा, उसे इस घर से बाहर निकालो राजेश। कहाँ? कहाँ? ऊटी? हाँ बाबा ऊटी। नहीं ऊटी तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, तुम लोग आओ। हाथ हो गई यार, सारा प्रोग्राम तुम्हारे लिए बनाया और तुम ही इनकार कर रही हो। चलो उठो। नहीं मुझे नहीं जाना। कमाल है यार। अरे क्या बात है भाई, अभी तक महफिल जमी हुई है। चलो चलो उठो उठो, हम गाड़ी में सामान रखवा देते हैं। नहीं बाबूजी हमें नहीं जाना। अरे तुम्हारी वजह से तो प्रोग्राम बना है, कुछ दिन के लिए हो आओ, उठी अच्छी जगह है। चलो आओ। मजा आने वाला है। या
मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ। ए, तू बोर मत कर। हाँ, इसकी वजह से तो सारा प्रोग्राम बनाया है। और ये है कि चलो ना शालू। चलो ना, दिल बहल जाएगा। मेरा मन नहीं करता, तुम लोग आओ। ठीक है, कोई नहीं जाएगा, चलो। देखो रमा, जिद मत करो, तुम्हें मेरी कसम, मैं शाम को चलूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, चलो बाय। बाय 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 शालू यार। आपको किताबों से कब से मोहब्बत हो गई? बस यूं ही। लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे एक दोस्त का फंक्शन है, गाने के लिए आया हूँ। वैसे अब ये मेरा कैरियर बन चुका है। आप इन किताबों में क्या ढूंढ रहे हैं? अगर अच्छे शेर मिल जाएं, तो दिल उन पर आशिक हो जाता है, मजबूर हो जाता है उन्हें गाने के लिए। अब देखिए ना, सीमा जी ने क्या गजब का शेर लिखा है। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का क्या कसूर। खैर छोड़िए इन बातों को, शाम को क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। मेरे प्रोग्राम में आना पसंद करेंगी? क्यों नहीं। तो शाम को 7 बजे मैं आपको लेने आऊंगा, ठीक है? हम आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय। बाय।
फूल भेजे हैं और ये खत। थैंक यू। शालिनी जी, घर से फोन आ गया। मेरी पत्नी मीना की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए नहीं आ सका। माफी चाहता हूँ। जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। अरुण। क्या? हाँ राजेश, लेकिन आज तक तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की। 2 साल हो गए हमारी मंगनी को और न जाने कितने बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। हमने तुम्हें मंगनी से पहले ही कह दिया था कि जब तक शालू की शादी नहीं होगी हम शादी नहीं कर सकते। तो फिर कब होगी शालू की शादी? जवाब दो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं, शालू की शादी अब नहीं होगी क्योंकि जिसे वो प्यार करती थी उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारी बहन उसे अब भी अपना पति मानती है। बच्ची है, ना समझ है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम ही बोलो मैं कब तक इंतजार करूं। लेकिन वो बीमार है। बीमार नहीं, ये इश्क का रोग है राजेश, और ये रोग तो मर कर ही खत्म होगा। बाबूजी, बाबूजी, आखिर इस घर को मेरी बदनसीबी का ग्रहण लगी गया ना बाबूजी? आप मेरी खातिर अपनी खुशियों को तबाह मत कीजिए बाबूजी, अब ब्याह कर लीजिए भाभी को घर। चलो चलो काका। डॉक्टर को बुलाइए काका, इसे बहुत तेज बुखार है। अभी तो इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक बुखार उतर जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, रोज रोज का बुखार कुछ कोई बात है जो उसने अपने दिल को लगा ली है। ट्राई टू कीप हर हैप्पी। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन शालू का खुश रहना ही उसका इलाज है और उसको खुश रखना आप लोगों का काम। ओके, मीरा। हाँ, हम तो कोशिश करके थक गए, अब तुम ही हमारी मदद करो बहन। भैया देखो रमा, हमने कभी शालू और तुम्हें कोई फर्क नहीं समझा। आज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, तुम अपनी शालू को बचा लो, उसे इस नरक से बाहर निकाल लो, हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भैया, मैं भी उतनी फिक्रमंद हूँ जितने आप। शालू ठीक हो जाएगी भैया। ठीक ही तो है, क्या हुआ है मुझे? ये सवाल तू अपने आप से पूछ, जा जाकर आईने में अपनी सूरत देख। अच्छी भली तो है मेरी सूरत, क्या हुआ? चला बैठ। क्या फायदा यहाँ बैठने का, अब तो इस घर में भी आने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि किसी शमशान में आ गया हो इंसान। कल तक कितनी रौनक थी, कितना शोरगुल था, कितना हंसी मजाक करती थी तुम। तुम्हारी हंसी से सारा घर गूंज उठता था। कितनी बदल गई है तू, क्या हो गया है तुझे? रमा, तुमने सुना नहीं बड़े सने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं लड़कियों को शादी के बाद सोबर हो जाना चाहिए। ये क्या हो रहा भाई? क्या हो रहा है? खाना खा रही हूँ। खाना तो तुम्हारे सामने रखा है। टीका है ना, जरा सा अचार दे दो। डॉक्टर साहब ने मना किया है। मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना। खाना तो मैं भी खा रहा हूँ लेकिन मुझे फीका नहीं लग रहा है। जरा सा अचार दे दो ना। बिल्कुल नहीं। छोटो, ओ छोटो। जी साहब जी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या क्या? ये अचार की बोतल इस टेबल पर कैसे आई? साहब जी, ये खाने के लिए नहीं दिखाने के लिए रखी है। क्या मतलब? मतलब साहब जी, फीका खाना आचार को देखकर फीका नहीं लगता है, अजमाया हुआ नुस्खा है साहब जी। पिछले 5 साल से मेरी बीबी जब जब बस 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 बस, ये तरकीब तुम अपने घर में इस्तेमाल करना और अगली बार ये अचार की बोतल इस टेबल पर मुझे नहीं दिखाई देनी चाहिए। जी साहब, टेबल पर तो क्या, इस घर में भी नहीं रहेगी, इसे मैं अपने साथ मेरे घर ले जाता हूँ। मेरी बीबी छठे की तैयारी में है, इसे ले जाओ साहब। हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ इसे एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। दुनिया की सारी औरतें अचार खा सकती हैं, सिर्फ मैं ही नहीं खा सकती। मीना, तुम दुनिया की औरतों से अलग। चलो मुंह खोलो। भूख नहीं है काका। भूख कहाँ से होगी, सारा दिन कागज और कलम लेकर लिखती रहती है। चल पहले खा ले, बाद में लिखना। थोड़ा सा तो बाकी है काका, आप रख दीजिए, मैं फिर खा लूंगी। खा लेगी ना? हाँ हाँ खा लूंगी। ठीक है, लेकिन ठंडा होने से पहले। हाँ जी काका, खा लूंगी। मैं रखते जा रहा हूँ। हे राम।
तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? हाँ, खा रहा हूँ। खा रहा हूँ काका। वो शालू को खाना दिया? हाँ, शालू को खाना दे दिया है, वो खा लेगी। तुम तो खाओ। भूख नहीं लग रही। भूख तो है लेकिन मन परेशान है। अरे खाओगे पियोगे नहीं तो कौन किसको देखेगा इस घर के अंदर? बेटे अपनी सेहत का ख्याल रखो, खाना खा लो, चलो। बेटे सब खैरियत तो है ना? बहुत तेज बुखार है उसे, खाना भी ऐसे ही पड़ा है, छुआ तक नहीं उसने। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि मैं खा लूंगी। अपने सामने खिलाना चाहिए काका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, जैसे वो जाके कुछ खिला देना उसे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, क्या हाल है? शालू को बहुत तेज बुखार है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार कम क्यों नहीं होता? मैं तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। I don't understand why she is not responding to any medicine. खैर तुम फिक्र ना करो, मैं उसे फिर से चेक कर लेता हूँ। प्लीज तुम ऑफिस जाते हुए मुझे मिल लेना। बाय। ओके। रात को कितना कहा खाना खा लो खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था, और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते, और क्या। कैसे बुलाती काका, अब सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो सिर्फ दूध? नहीं काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका। हुँ? जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी। अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। दूध पीना सारा का सारा? हाँ छोड़ना नहीं। Thank you.
ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। मुझे माफ कर दे भगवान। एक दिन मुझसे में आकर शालू दीदी के बारे में मैंने क्या क्या कह दिया था वो बात अपने सच कर दी भगवान। मेरे जैसा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। जिसको दीदी माना उसी को श्राप दिया भगवान। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं भगवान। आज के बाद मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन हमारी शालू दीदी को भला चंगा कर दे भगवान। उसे अच्छा कर दे भगवान। उसे अच्छा कर दे भगवान। डॉक्टर हमारे पास इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर। लेकिन लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है सिस्टर तुम इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो। आप बाहर बैठिए हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। हमारे बदन से हमारा सारा खून ले लीजिए डॉक्टर। लेकिन हमारी शालू को बचा लीजिएगा। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। हमें ब्लड ग्रुप तो चेक करने दीजिए। डॉक्टर इनका खून भी उस ग्रुप से नहीं मिलता। गलती होगी होगी दोबारा चेक कीजिए प्लीज। प्लीज को डॉक्टर ये मिस्टर सक्सेना ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। वो हमारी बहन है डॉक्टर हमारी बहन है। इज इट पॉसिबल कि एक भाई का खून अपनी बहन से ना मिले। इज इट पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। He's a liar. He's a liar. He's a liar. वर्मा देखा तुमने अपनी बहन को अपना खून तक नहीं दे सके। शमू काका हम अपनी बहन को कुछ नहीं दे सके। अनु देखा एक भाई की मजबूरी को तुम इस बात के गवाह रहना है। तुम सब इस बात के गवाह रहना। राजेश सक्सेना सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक कितना मजबूर कितना बेबस। क्या फायदा हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का। क्या फायदा इस दौलत का। राजेश सक्सेना कुछ नहीं कर सके अपनी बहन के लिए। राजेश सक्सेना राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। कुछ नहीं कर सके हम अपनी बहन के लिए। कुछ नहीं कर सके। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना रिलैक्स। मिस्टर सक्सेना ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। यस इट इज पॉसिबल। बाबूजी 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 मैं यहाँ हूँ आओ ना। बाबूजी 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 मैं यहाँ हूँ आओ ना मुझे पकड़ो ना। हेलो बाबूजी मैं यहाँ हूँ आओ ना। आशा आशा बाबूजी मैं यहाँ हूँ आओ ना। बाबूजी आओ ना। बाबूजी आओ ना। बाबूजी बाबूजी आ चलो। अरुण जी कहिए क्या बात है जी। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन वक्त बहुत कम है। आपसे एक विनती करने आया हूं। आप हुक्म तो कीजिए हुजूर। आप अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे। हर बार एक ही बात होती थी। हर बार मैं एक ही बात का जवाब देता था। लेकिन उस वक्त हम दोनों अपनी अपनी मजबूरी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन आज आखिर आखिर बात क्या है वर्मा जी। आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए थोड़ा सा। मुझ पर बड़ा उपकार होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरुण जी मैं आपको सीमा जी से मिलवाना चाहता हूं। सीमा अगर आप चलेंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं वर्मा जी। लेकिन
पहली बार जा रहा हूं ना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। वर्मा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं बस उन्हीं की बदौलत हूं। इस घर की एक एक चीज, इस घर की खुशहाली, मेरा सुख बस उन्हीं के आशीर्वादों का फल है। आप ही बताइए वर्मा जी, सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर को उन्होंने तराश कर आसमान का चांद बना डाला, क्यों उनका भी तो कुछ हक बनता है ना? क्या ले जाऊं उनके लिए मैं? अरुण बाबू, अगर आप आज सिर्फ उनके पास जाकर खड़े हो जाएं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, सबसे बड़ा। लेकिन वर्मा जी, अरुण बाबू वक्त बहुत कम है, लेट्स गो। यहां? हाँ, आपकी गीत का यही रहती है। देता है और दिखाई भी देता है मैडम, शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? शट अप। आप और गीत, सुर और साज, आप कब से समझने लगी हैं? म्यूजिक के लिए टेस्ट की जरूरत होती है और आपका टेस्ट इतना सुरीला नहीं है। अरुण सर, अगर अधूरा रह गया हो तो मेरी बहन को माफ कर देना। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर नहायत ही बेवकूफ। आप? हाँ, मैं इस बदनसीब बीमार लड़की का भाई। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं, ये शालू है और ये सीमा भी। यही है वो हस्ती जिसने तुम्हें कामयाबी की वो सीढ़ी अता की जो सितारों से भी ऊपर जाती है। यही है वो जिसने शहरत का आसमान बख्शा है तुम्हें। अपने दर्द को शब्दों में गूंथ कर तुम्हारे संगीत को जिंदगी देती रही और अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इसने। या फिर हम इस काबिल न थे कैसे कुछ दे सकते। बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, बहुत बड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका खेल कभी खत्म नहीं होता, जो जिंदगी की शतरंज पर बिछे हुए मोरों के साथ कुछ इस बेदर्दी से खेलता है कि लोग जीते जी भी तेरे गुण गाते हैं और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। तूने भूख दी, मैं बर्दाश्त करता रहा। तूने गुर्बत दी, मैं चुप रहा। तूने बचपन में मेरे मां बाप छीन लिए मुझसे, मैं इसे भी तेरा बड़प्पन समझता रहा। दिन रात तेरा नाम लेता रहा ये समझते हुए कि शायद मुझे ही पूजा का ढंग नहीं आता। आज की ये दौलत, ये शोहरत, ये खुशियां पाकर मैं खुशी से दीवाना हो गया था।
क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि इन सब की बुनियाद किसी मासूम की चिता पर है, उस मासूम की चिता पर जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था और फिर भी तूने बना दिया। उसकी हर रुकती हुई सांस का मेरी शौहरत के साथ, उसकी हर पल की मौत का मेरी इज्जत के साथ, उसके हर दर्द का मेरी खुशियों के साथ, उसकी आंख से गिरते हुए हर मोती का मेरी दौलत के साथ। कौन सा कसूर है मेरा जिसकी सजा तू उसे दे रहा है और हिसाब मेरी किताब में लिखा जा रहा है? बंद कर दे इस नाटक को, खत्म कर दे इस खेल को, क्योंकि आज के बाद तेरे सामने इस मंदिर में कोई ज्योत नहीं जलाएगा, कभी उजाला नहीं होगा यहाँ पर। अपनी मोहब्बत और जुनून के पिंजरे में एक बेबस पंछी की तरह कैद होकर रह गई है शालू, और ये जानते हुए भी कि ये पिंजरा उसका आशियाना नहीं, तुम उसके अपने होकर भी उसके अपने नहीं। अपने दिल के हाथों मजबूर शालू ने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए, स्पॉन्सर्स ढूंढे, शोज अरेंज करवाए, अखबारों और मैगजीनों में तुम्हारी पब्लिसिटी करवाई, अपने रुपए और रसूख से तुम्हें स्टार बना दिया और ऐसे जरिए पैदा कर दिए जिसकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में लोग तुम्हारी आवाज पहचानते हैं। तुम्हारी कामयाबी को उसने अपना मकसद बना लिया था, और एक रोज वो अपनी झोली फैलाए अपने भाई के साथ तुम्हारे दरवाजे पे गई, अपने एहसानों और अपनी मेहरबानियों का बदला मांगने नहीं, सिर्फ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में रहने की उम्मीद लेकर। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसके साथ चली आई, मंजिल के ख्वाब तो बिखर गए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बिखरी, वो आज भी सब कुछ वही कर रही है तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता मानकर। वो तो तुम्हारे सामने कभी ना आती लेकिन वर्मा जी की वजह से तुमने उसे पहचान लिया, और उस पहचान ने उसे तोड़ डाला। अरुण, आज शालू ने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम उसे गलत मत समझना, वो तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती, ना ही उसे तुमसे कुछ चाहिए, वो तो सिर्फ देना जानती है। अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार और तुम ही उसके भगवान। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं अरुण? समझने की कोशिश तुम नहीं करो शशि, मैं ऐसी हालत में कैसे गा सकूंगा? तुम अपने प्रोफेशन को अपने जाती मामले से दूरी रखो तो अच्छा है। जो बात मुमकिन ही नहीं वो मैं कैसे करूं? मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरी आवाज ही मेरे जज्बात का आईना है, और आईने से झूठ नहीं बोला जाता। जब किसी सास का दिल टूटता है तो दर्द की टीस बहुत देर तक उठती है शशि। मैं अपने चेहरे पर नकाब तो लगा लूंगा लेकिन अपने आंसू को कैसे छुपाऊंगा? आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, तुम एक अमानत हो, जनता में तुम्हारा नाम है, लोग तुम्हें उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में लोगों ने तुम्हें बनाया है। आज के शो में लोग तुम्हारी आवाज सुनने आ रहे हैं, तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं। ये सरासर खुदगर्जी है शशि, और तुम चाहते हो मैं भी खुदगर्ज बन जाऊं, भूल जाऊं शालू की मेहरबानियों को? ये मैंने कब कहा? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, अगर शालू की तरफ तुम्हारा इतना फर्ज है तो जनता की तरफ तुम्हारा उतना ही फर्ज है। तुम तब तक करूंगा जब तक ये तुम्हारे फैन है। ये फैंस भी तब तक हैं जब तक सीमा जी के गीत मेरे साथ हैं। सीमा 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 नाम लेकर भगवान बना रहा उसे। अरे क्या किया तूने उसके लिए हैं? बोल, बोलता क्यों नहीं? अरे अगर तेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी इज्जत है तो उसके सपने को मत तोड़। सपना? कौन सा सपना? वो सपना जो सीमा ने देखा था, तेरी कामयाबी का सपना। आज इस शो में हिंदुस्तान और बाहर की हस्तियां आ रही है, इन हस्तियों में सबसे ऊंची तेरी हस्ती हो, यही सीमा का सपना था मेरे दोस्त। नहीं शशि, मैं ये कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शो से इनकार करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मार, हाथ में मत मिला उस बेचारी के सपने को। देख,
मैं तेरा दुख तकलीफ परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तू ये मत भूल कि तू जहां कहीं भी रहेगा, सीमा तेरी आवाज और तरक्की के हमेशा करीब रहेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों का प्यार इन शब्दों से कहीं बड़ा है। मेरी आवाज, मेरा संगीत तो आप लोगों के प्यार का कर्जदार है, एहसान मंद है आप लोगों का। शोहरत के इस आसमान पर आप लोगों ने मुझे चांद बनाकर टांग तो दिया, लेकिन मैंने भी हमेशा आप लोगों को सितारे बनाकर अपना साथी, अपना दोस्त समझा, क्योंकि मैंने खुद को कभी आप लोगों से अलग नहीं समझा। लेकिन कल रात मैंने सच्चाई के आईने में खुद को देखा। पहली बार मैंने तालियों के शोर में किसी की सिसकियों को सुना। पहली बार अपने दामन को किसी के आंसू से तर महसूस किया। मैं ये भूल गया था कि शोहरत के इस आसमान पर आप और हम चांद सितारे बनकर जगमगा तो रहे हैं, लेकिन ये रोशनी हमारी अपनी नहीं है। ये रोशनी तो उस सूरज की है जिसे हमने कभी याद नहीं किया। मेरे गीत के हर बोल ने अपने लिखने वाले से चिल्ला चिल्ला कर उसकी दाद मांगी, अपने हर लफ्ज का कर्ज मांगा, लेकिन मैं भूल गया था कि अगर वो गीत ना होते, वो शब्द ना होते, तो शायद आज मैं ना होता और आप भी ना होते। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने एक विनती करता हूं। आज की रात हम उस महान हस्ती का शुक्रिया अदा करें जिसे हमने कभी याद नहीं किया, हमेशा नजरअंदाज करते रहे। दोस्तों, एक और इल्तिजा है मेरी आप लोगों से। आज आप लोग मेरा साथ देंगे अगर मेरी आवाज लड़खड़ाने भी लगे तो आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर।
आज मेरी शोहरत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में, हो गया सर। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब बुझा दो मीना। क्यों, मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है? लो कम कर देती हूँ उजाला, कम से कम परछाई तो दिखे, बहुत दिनों बाद मिले हो। वैसे एक पति जब अपनी पत्नी से नजरें चुराने लगता है तो औरत समझ जाती है कि उसकी गृहस्थी की बुनियाद को दीमक लग चुका है। मीना, पति लाख कोशिश करे अंधेरे में छुपने की, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन उसके चोर होने का ऐलान करती है। तुम किससे भाग रहे हो अरुण? मुझसे, अपने आप से, अपने अतीत से, या फिर मेरे मरते हुए पिता को दिए हुए वचन से, या फिर उस अग्नि से जिसे साक्षी बांधकर
तुमने अपने प्रिंसिपल साहब के एहसानों को सात फेरों में बदल दिया। उनकी लड़की का हाथ थाम कर तुमने उन्हें गुरु दक्षिणा तो दे दी, अब अपनी पत्नी की झोली में क्या डालोगे? अपने इन कमजोर हाथों में अपने शालों के पैर की शक्ति भर लो अरुण, और नोच लो, नोच लो मेरी मांग से मजबूरी और दिखावे का सिंदूर। बस मीना बस, इसके आगे और कुछ मत कहना। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ? सच्चाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी मीना। तस्वीर का जो रुख तुम देख रही हो वो असलियत नहीं है। शालू मेरे अतीत का एक पन्ना है, मेरी जिंदगी की किताब नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुनी है ये प्रेम कहानी। वो प्रेम कहानी मेरी नहीं है। क्या शालू तुमसे प्रेम नहीं करती? करती है, लेकिन मैं नहीं करता। झूठ। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मीना। झूठ। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। इतना बड़ा झूठ मत बोलो अरुण, जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया उसकी झूठी सौगंध मत खाओ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी सीमा देवी की सौगंध खाकर। मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ, उसी के नाम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है उसी के नाम से, इसलिए क्योंकि शालू और सीमा दोनों एक ही लड़की के दो रूप हैं। हाँ मीना हाँ, हम जिसे भगवान समझकर पूछते रहे वो भगवान नहीं एक कमजोर लड़की है, हम जिसे एहसान समझते रहे वो एहसान नहीं किसी बेबस की दी हुई भीख है। जिस लड़की की अकड़ और गुरूर से मैं हमेशा नफरत करता रहा, अनजाने में मैंने उसे अपने ही घर के मंदिर का भगवान बना डाला। मैं तो भूल कर बैठा था मीना, लेकिन तुमने कैसे अपने सुहाग पर शक कर लिया, कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो फिर क्यों आई थी वो लड़की यहाँ शालू का पैगाम लेकर? इसलिए कि शालू चंद पलों की मेहमान है। हाँ मीना, शालू मर रही है, वो मर रही है। मेरे काम करेंगे बाबूजी। बहन, हम तो अपनी जिंदगी तक निछावर करते तुम्हारे लिए, लेकिन क्या करें, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे कि तकदीर ने हमारे दोनों हाथ काट कर रख दिए हो। ऐसे मत कहिए बाबूजी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, बस एक काम और। कहो। अरुण को मेरी गीत दे दीजिए और मेरी अर्थी को ऐसे सजाकर भेजिए जैसे किसी सुहागन की अर्थी को विदा करते हैं। नहीं शालू, नहीं, ऐसा मत कहो शालू, नहीं। रोइए मत बाबूजी, आप मुझे रोकर विदा करेंगे। मुझे गम तो सिर्फ एक बात का है कि न ही मेरा पति मेरी चिता को आग देगा और न ही मेरी मांग में सिंदूर होगा। शालू दीदी, नीना तुम आओ। हाँ देखो तो कौन आया है मेरे साथ। मीना, मीना, मुझे गलत मत समझना। कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहा, अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया है। नहीं शालू नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मीना, ये क्या किया तुमने? मांग भर दीजिए शालू की मेरे खून से। क्या? फिक्र मत कीजिए, शालू की मांग में ये सिंदूर भरने से मेरे सिंदूर का रंग और भी गहरा हो जाएगा। फर्ज अदा किया है, मैं तो तुम्हें घर ले जाने आई। हाँ। वो
घर जिस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार है, उस घर का आंगन तुम्हारी राह देखना है शालू। वहां तुलसी का पौधा है, हम दोनों साथ मिलकर उसकी पूजा किया करेंगे। करवा चौथ का चांद हम मिलकर एक ही थाली में देखेंगे। चलो शालू घर चलो, अपने पति के घर। देखो बहन मुझे निराश मत करना, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा दिल मत तोड़ना शालू। बहुत देर हो गई मीना, समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल गया, इसमें दिल का क्या कसूर? नहीं शालू नहीं, रो मत, मुझे रोकर मत विदा करो, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं, अब तो मेरी मांग में सिंदूर भी है और मेरा पति मेरी चिता को अब बेटी, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे वर्मा अंकल से कह के इसे छपवा दो ना। जरूर छपा देंगे बेटी, जरूर छपा देंगे, जरूर छपा देंगे।